हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम यूनिवर्सिटी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, सीयूईटी इज अबाउट टू बी हेल्ड, एंड उसके लिए हम लोग जो जनरल टेस्ट का पार्ट है, सो वी एज यू नो एज द टीम मेंबर्स ऑफ ड्रीम यूनिवर्सिटी हैव डिसाइडेड कि हम लोग स्टूडेंट्स के लिए एक के हेल्प के लिए एक्चुअली हम लोग जो बेसिक्स है उसके लिए हम एक छोटा सा वीडियो लाने वाले हैं। पॉलिटी का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, क्योंकि हम सब जानते हैं जनरल टेस्ट में सबका आएगा, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, एवरी सब्जेक्ट विल बी इंक्लूडेड इन दैट, और उसके बेसिक्स तो एटलीस्ट आएंगे। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को कुछ फैक्चुअल नॉलेज हो, बिल्कुल क्लैरिटी हो उसके ऊपर। सो फॉर सर्विंग दैट पर्पज इट्स वेरी नेसेसरी टू स्टडी दैट, एंड नॉट एवरीबडी इज एबल टू डू दैट। ओके, सो वी आर हेयर टू हेल्प यू, एंड दिस वीडियो इज फॉर हिस्ट्री सिंस आई एम अ फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री हियर। Okay, so let's begin. Okay, so you guys must be seeing कि यहाँ पे Indian history पूरा लिखा हुआ है, और ये जो PDF है ये तीन parts में divided है, ancient, medieval and modern. You all know history has three parts: ancient history, medieval history, modern history. Ancient history starts in your 12th class syllabus from in the Swelly civilization, and it's And it ends at Gupta period, right? And it also gives us some information about Buddhism and Jainism. And there is something about the Mahajanapadas and the rise of early cities, hai na? And of course, the modern empire, hai na? So all these things are there in your history, in this ancient history, hai na? Then we have medieval and then we have modern. So this video in particular is about ancient history. And the first topic, of course, is in the Indus Valley civilization. So the first thing to be remembered about it is its time period, that is 2500 to 1750 BCE. Actually, BCE ho gaya hai ab, before common era, and CE is common era. Okay, earlier it was BC and AD, but it has changed now. So kahin bhi aap BC dekhe to use BCE samajhiyega, and that means BCE means before common era. Okay. अब देखिए, हम देखते हैं इंडस वैली से रिलेटेड। इंडस वैली में मेन चीज यही होती है कि जो इंडस वैली के लोग थे, है ना, इट इज आल्सो कॉल्ड हरप्पन सिविलाइजेशन, फर्स्ट थिंग। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्योंकि इंडस रिवर का प्रेजेंस है वहां पे, सेकंड थिंग। दूसरा ये है कि जितनी भी साइट है तो कौन सी साइट कौन सी रिवर के बराबर में है, और कौन सी साइट कौन से एक्सकेवेटर ने एक्सकेवेट की है, ठीक है, और उसकी करेंट डे लोकेशन क्या है, ठीक है, और उस साइट की क्या इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है। तो ये चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो ये बेसिक्स होते हैं जो आते हैं हर चैप्टर का, कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि भाई ये तो आएगा ही आएगा। सो दीज आर द थिंग्स जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, मेजर साइट, साइट का नाम है और उसके एक्सकेवेटर का नाम। तो आप हर हाल में याद रखें किस ईयर में उसे एक्सकेवेट करने का मतलब होता है कि खोदी गई हो, है ना, कि उसको ढूंढा गया आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा। तो कौन सा आर्कियोलॉजिस्ट ने कौन सी साइट जो है वो एक्सकेवेट करी, कौन से ईयर में, कौन सी रिवर के बराबर में वो है, करंट डे उसकी लोकेशन क्या है, और वहाँ पे मेजर हमें क्या मिला है। अब जैसे मोहनजोदड़ो में हमें ग्रेट बाथ मिला है, ग्रेट ग्रैनरी मिला है ना, सिमेट्रीज मिली है हरप्पा में, है ना, बनावली ढोलावीरा में हमें जो है वेल्स और इरीगेशन टेक्निक्स के मिले हैं जो है ना, कालीबंगन में एक प्लोड फील्ड मिला है। तो उसी तरीके से जो मेन मेन फाइंडिंग्स है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट क्विकली लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस। द अर्लीस्ट एक्सकेवेशन इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन वर डन एट हरप्पा इन द वेस्ट पंजाब एंड मोहनजोदड़ो इन सिंध, बोथ प्लेसेस आर नाउ इन पाकिस्तान। द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज कि अब जो भी जो मेन मेन जगह है जहाँ एक्सकेवेशन हुआ था अर्लीस्ट, अब वो सब या तो वेस्ट पंजाब में है और यू नो या फिर सिंध में है, और दोनों ही वो पाकिस्तान में है। सो इट्स हार्ड टू विजिट देयर एंड यू नो जस्ट लुक एट इट। और इम्पोर्टेंट साइट्स, द मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट्स आर कोट डिजी इन सिंध, कालीबंगन इन राजस्थान, ये आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि इम्पोर्टेंट साइट्स। रोपर है कहाँ पर है, पंजाब में है, बनावली हरियाणा में है, लोधल है, सुरकोतड़ा है ना इन गुजरात, एंड ढोलावीरा, ठीक है, बोथ आर इन गुजरात, ऑल थ्री इन गुजरात। मोहनजोदड़ो इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल इन द सिटीज, ठीक है, मोहनजोदड़ो का अलग ही सिग्निफिकेंस है ना। तो this is one of the most important sites that had been excavated till now and it's one of the largest one, okay. इसके अलावा मैं आपको बता दूं, एक सितादेल होता था कि हर सिटी में, जितने भी आपको ये दिख रहे हैं ना, इन सब में एक तो सितादेल होता था और एक वो होता था
लोअर टाउन सीतादिल जो होता था वो एक प्लेटफॉर्म सा होता था, जैसे कि जैसे नॉर्मली कोई भी थोड़ा एलिवेटेड प्लेटफॉर्म, उसपे जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव या इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है वो बनी होंगी, और जो लोअर टाउन है उसमें नॉर्मल लोगों के हाउसेज होंगे रेजिडेंस के। एनीवे लेकिन उसके बारे में हम मैं तब बताऊंगी मेन जब हम सोशल लाइफ में आएंगे। पहले आप ये देख लीजिए, देखिए हरप्पा में किसने एस्टिमेट करी, डॉक्टर साहनी ने, कब करी 1921। कौन से रिवर के बराबर में है, रवि, वेस्ट पंजाब में है, यहाँ पे ग्रेनरी मिली है, वर्जिन गॉडेस सिमेट्री, वो मतलब गॉडेस का सिंबल वो मिला है, स्कल्पचर है ना, टेराकोटा स्कल्प फिगरीन्स मिली है, स्टोन सिंबल है लिंगम का और योनि है ना। मोहनजोदारो आर डी बनर्जी ने करा था, आर डी बनर्जी मीन्स रखाल दास बनर्जी, 1922 में, इंदस में, इंदस रिवर के बराबर में है। अब करंट डे वो सिंध पाकिस्तान, या ग्रेट बात, सबको पता है ग्रेट बात के बारे में, इट्स अ लार्ज टैंक फिल्ड विद वाटर है ना, जनरली रिचुअल बाथिंग से एसोसिएट किया जाता है उसको, ग्रेट ग्रेनरी है ठीक है, असेंबली हॉल ठीक है, प्रोटो शिवा सील मिली है यहाँ पे ठीक है, जिसमें शिवा जो है वो चार एनिमल्स से सराउंडेड है, ही इज सीटेड इन योगिक पोस्चर ठीक है, जिसको हम रिलीजन से एसोसिएट करते हैं। ब्रिक किल्न्स मिले हैं, मिजोपोटामियन सील्स मिले हैं, और मिजोपोटामियन सील्स मिलने का क्या मतलब होता है कि मिजोपोटामिया से इनका जो है काफी ट्रेड चलता था, ट्रेड रिलेशंस, क्योंकि सील का क्या मतलब है, देखिए सील कैसे यूज होती थी कि जब पुराने टाइम का जो भी कुछ आ रहा है और यहाँ का वहां जा रहा है तो सील प्रेस कर दी जाती थी गीली मिट्टी पे, तो अगर वो सील सही है तो इसका मतलब ये है कि भाई वहां पे रास्ते में कुछ उसके साथ छेड़छाड़ी नहीं की गई है, तो अगर मिजोपोटामियन सील्स ठीक है, मिजोपोटामिया इज ईरान, तो वहां की सील यहाँ मिली है, तो इसका मतलब ये है कि उनके जरूर कोई ना कोई कॉन्टेक्ट इनसे रहे हैं। चानुदारो ठीक है, चानुदारो एक सेटलमेंट है ना, इट्स द ओनली सेटलमेंट विदाउट अ सीतादिल। एनजी मजुमदार ने 1931 में इसको एक्सप्लोर किया था, इंदस सिंध पाकिस्तान, ब्रॉन्ज टॉय कार्ट मिला है यहाँ, इंपोर्ट लिपस्टिक सिटी विदाउट अ सीतादिल, देखिए यहाँ भी मेंशन है, आपको याद रखना है। कालीबंगन जो है ठीक है, ब्लैक बेंगल्स इसका लिटरल मीनिंग है, बीवी लाल और बीके थापर ने इसको एक्सकेवेट किया 1953 में, गग्गर रिवर के साइड में है ये है ना, राजस्थान में। डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली है, यहाँ प्लोड फील्ड मिला है दो फरोज के साथ, और फायर एल्टर्स मिले हैं ठीक है, दैट अगेन इज एसोसिएटेड विद रिलीजन एंड रिचुअल्स। लोथल इन गुजरात ठीक है, एस आर राव ने करा है इसे एक्सकेवेट 1957 में, डॉकयार्ड राइसहर्स्ट फायर एल्टर्स डबल बरियल मिले हैं यहाँ पे ठीक है। बनावली इन हरियाणा ठीक है, आर एस बिश्ट ने करा है 1973 में, घग्गर रिवर के बराबर में है। टॉय प्लो ग्राइडरन पैटर्न ऑफ टाउन प्लानिंग ठीक है, टॉय प्लो और एक ग्रिड पैटर्न मिला है स्ट्रीट्स का। डोलावीरा ठीक है, अगेन इन गुजरात, आर एस बिश्ट ने करा है 1990 में, लूनी रिवर के साइड में है ठीक है, एक वहां बड़ा सा लार्ज वेल और एक बाथ मिला है और एक स्टेडियम भी मिला है। सुरखोतड़ा इज फेमस फॉर इट्स हॉर्सेस, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट साइट्स, अगेन इन गुजरात, जे जोशी ने इसको एक्सकेवेट किया है 1964 में, यहाँ पे हॉर्सेस की बोन्स मिली है और पॉट बरियल्स मिले हैं ठीक है। तो ये तो हो गए जो साइट्स हैं, और ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यू शुड डेफिनेटली मेमोराइज इट है ना, अगर आपके पास डोमेन में हिस्ट्री है तो ये उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अदर देन दिस सेलियंट फीचर्स ऑफ द हरप्पन कल्चर ठीक है, अर्बन था, ग्रिड प्लानिंग, टाउन प्लानिंग थी, स्ट्रीट्स यूज टू कट ईच अदर एट 90 डिग्री एंगल्स, प्लान सिटी ठीक है, लार्ज स्केल यूज ऑफ बर्न ब्रिक्स का यूज होता था हर काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन में ठीक है, वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हरप्पन कल्चर का। अदर रिमार्केबल फीचर रहा था अंडरग्राउंड, हाँ वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, जो सारी जो ड्रेन्स होती थी वो कवर्ड होती थी, और एक जो हाउस में हर हर घर में एक ड्रेन होता था जो मेन ड्रेन से स्ट्रीट में जो ड्रेन जाता था उससे उसको कनेक्ट करता था, और सारे ड्रेन्स मैंने ऑलरेडी बता दिया कवर होते थे स्टोन स्लैब से या ईंटों से ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पेस जो था ग्रेट बाथ था, उसकी हाइट फी ब्रेड दी हुई है ठीक है। एग्रीकल्चर सबसे इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था, इरिगेशन टेक्निक्स भी डिप्लॉयड हैं, फर्टाइल सॉइल था वहाँ का, क्यों था, इंदस रिवर के प्रेजेंस की वजह से, और ज्यादातर साइट्स जो हमने देखा रिवर्स के साइड में है तो वहाँ पे सॉइल फर्टाइल होता है, फार्मर दो क्रॉप्स एक ईयर में कल्टिवेट करते थे ठीक है, वो लोग पहले थे जिन्होंने पैडी उगाया, ये भी आप याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट। व्हीट और बार्ले वहाँ के मेन क्रॉप्स थे, सीसम मस्टर्ड कॉटन भी उगाया जाता था। एनिमल्स जो है जिनकी बोन्स मिली है, तो शीप गोट बुफेलो डोमेस्टिकेट की जाती थी, और हॉर्स का जो यूज था वो अभी भी नहीं पता किस लिए होता था। एंड ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल्स आर द आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल्स ऑफ द हरप्पन मेटल क्राफ्ट, ब्रॉन्ज एंड कॉपर वेसल्स ठीक है। बहुत सारी सील्स भी वहां मिली है अराउंड 2000। अब हम सोशल लाइफ के बारे में बात करेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन की।
ज्वेलरी सच एज बैंगल्स ब्रेसलेट्स फिलर्स एंड गर्डल्स एंकलेट्स इयर रिंग्स एंड फिंगर रिंग्स वर वॉर्न बाय वेमेन ठीक है. दीज ऑर्नामेंट्स वर मेड ऑफ गोल्ड सिल्वर कॉपर ब्रॉन्ज एंड सेमी प्रीशियस स्टोन्स. तो ये क्या दिखाता है कहीं ना कहीं कि सोशल लाइफ जो है प्रॉस्पेरस भी थी सिंस गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वर वॉर्न बाय वेमेन है ना डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में. फिशिंग एक ऑक्यूपेशन थी ठीक है. हंटिंग एंड बुल फाइटिंग भी थी एंड टेराकोटा यानी कि बर्न्ड क्ले ठीक है जो मिट्टी होती है एक मेजर इंडस्ट्री थी. टेराकोटा फिगरीन्स बहुत सारे मिले हैं. टेराकोटा मॉडल ऑफ क्ले टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो मतलब मिट्टी से बने हुए प्लो मिट्टी से बनी हुई फिगरीन्स है ना तो वो मिल पाई जाती है वहां पे. टेराकोटा का काफी इस्तेमाल होता था. एनिमल फिगर मिली है जिन्हें सेक्रेड माना गया जैसे बुल एंड डव वर डिस्कवर्ड. द फिगर्स ऑफ मदर गॉडेसेस वर यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पसेस ठीक है. इंस्क्रिप्शंस मिले हैं सील्स पे लेकिन उनको आज तक पढ़ा नहीं गया है. इट्स नॉट डेसिफर्ड डेसिफर्ड मतलब पढ़ा नहीं गया है. पीपल ट्री की वर्शिप भी है ना ट्री वर्शिप नेचर वर्शिप भी वहां पे एक नॉर्म रहा है ना रिलीजियस सिंबल पीपल ट्री की वर्शिप. द ऑरिजिन ऑफ स्वास्तिक सिंबल कैन बी ट्रेस्ड. स्वास्तिक का जो है वो हरप्पन सिविलाइजेशन से कहा जाता है आता है ठीक है. पशुपति सील जो कि मैंने इसके बारे में आपको बताया प्रोटो शिवा सील जिसमें शिवाजी आई एम नॉट शिवाजी सॉरी शिवा इज शिव जी सॉरी है ना इज सिटेड इन अ योगिक पोस्चर है ना विद थ्री फेसेस एंड टू हॉर्न्स और ही इज सराउंडेड बाय सेवरल एनिमल्स ओके. तो ये थी हरप्पा की सोशल लाइफ. इसके अलावा इसके डिक्लाइन के लिए भी काफी सारी थ्योरीज हैं. कुछ लोग बोलते हैं कि फ्लड की वजह से डिक्लाइन हो गया कुछ लोग बोलते हैं कि ड्रॉट की वजह से कुछ लोग कहते हैं आर्यन इन्वेजन हो गया. बट द मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी बाय द हिस्टोरियंस इज दैट की फ्लड हो गई थी इंडस रिवर उसकी वजह से यू नो दे द पीपल यू नो डाइड समहाउ एंड सम माइग्रेटेड टू अदर रीजंस. ऑलराइट सो दिस वाज अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन. नाउ द वैदिक पीरियड. देखिए वैदिक पीरियड जो है दो पार्ट्स में डिवाइडेड है. एक है अर्ली वैदिक और एक है लेटर वैदिक ठीक है. तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है उसमें सिर्फ एक वेद है ऋग्वेदा और वो अर्लीएस्ट वैदिक है वैदिक वेद वेद है. जो अर्लीएस्ट वेदा है वो है ऋग्वेदा ठीक है. तो जो अर्ली वैदिक एज है वो 1500 टू 1000 बीसी तक सेंड करती है और जो लेटर वैदिक एज जिसमें बाकी के थ्री वेद प्रोड्यूस किए गए थे वो 1000 से 600 बीसी तक लास्ट करती है. तो इस बात को तो सबसे पहले आप याद कर लीजिए. चारों वेदों के नाम याद कर लीजिए ठीक है. ऋग्वेद अथर्वेद यजुर्वेद सामवेद है ना. अर्ली वैदिक पीरियड ऋग्वेदा को कहा जाता है. देखिए पहला पॉइंट ये है ऋग्वेदा रेफर्स टू सप्त सिंधु ठीक है लैंड ऑफ सेवन रिवर्स. ऋग्वेदा एक सप्त सिंधु यानी कि लैंड ऑफ सेवन रिवर्स के बारे में बताता है. ये आप याद रखेंगे टर्म्स भी आ जाते हैं कई बार ठीक है. पांच रिवर्स इंक्लूड है ठीक है. रिवर्स ऑफ पंजाब नेमली झेलम चेनम रवि बीस एंड सतलज ठीक है. इनके आप नाम याद रखिए कि कौन सी रिवर्स के नाम ऋग्वेदा में मेंशन है. इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि इन सब रिवर्स में से बताइए कि कौन सी रिवर ऋग्वेदा में मेंशन नहीं है ना. हिस्टोरियंस को लगता है कि जो आर्यंस हैं वो सेंट्रल एशिया से आए थे है ना. दे एंटर्ड इंडिया थ्रू द सेंट्रल एशिया क्या है ईरान इराक दिस इज सेंट्रल एशिया ओके. ईरान हो गया इराक हो गया ऑल दीज आर पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया. दे एंटर्ड इंडिया थ्रू खाइबर पास बिटवीन ठीक है. आर्यंस खाइबर पास से आए थे 2000 बीसी टू 1500 बीसी के अंदर ठीक है. यानी कि अर्ली वैदिक टाइम में ही आए थे. दे फर्स्ट सेटल्ड एट सेवन प्लेसेस इन पंजाब रीजन व्हिच दे कॉल्ड सप्त सिंधु ठीक है. सेवन प्लेसेस में सेटल हुए थे जिसको उन्होंने बोला सप्त सिंधु. धीरे धीरे वो गैंगेटिक वैली में गए ठीक है. इट वॉज अ रूरल सिविलाइजेशन. वो एग्रीकल्चर वगैरह प्रैक्टिस करते थे. वो अर्बन सिविलाइजेशन नहीं थी. वैदिक लिटरेचर वेदा जो है वो वर्ड एक इट्स रूट वर्ड से विद से डेराइव्ड है. इसका मीनिंग होता है टू नो मतलब जानना है. सिग्निफाइज सुपीरियर नॉलेज मतलब सबसे ऊंची शिक्षा सबसे ऊंची जानकारी ठीक है. वैदिक लिटरेचर कंसिस्ट ऑफ फोर वेदास ठीक है. सामवेद ऋग्वेद सामवेद अथर्वेद यजुर्वेद ठीक है. ऋग्वेद सबसे पहला है चार वेदास में से ठीक है. और दस मंडलास में यानी कि टेन बुक्स में डिवाइडेड है वो. उसमें 1028 हाइम्स हैं ठीक है. द हाइम्स वर संग बाय होत्री इन प्रेज ऑफ वेरियस गॉड्स ठीक है. होत्री के द्वारा गाए जाते हैं प्रेज ऑफ गॉड्स. यजुर्वेदा जो है उसमें रूल्स हैं जो सेक्रीफाइस के टाइम में ऑब्जर्व किए जाने चाहिए ठीक है. ये भी आप याद रखेंगे कि कौन रिसाइट करते थे ना अदरवाइज. सामवेदा क्या है ये वो बेसिकली क्या होता है कि जो
दे आर सेट टू ट्यून फॉर पर्पस ऑफ चैंटिंग ड्यूरिंग सेक्रीफाइस, ठीक है, तो मतलब जब सेक्रीफाइस चल रहा है तो उस समय जो चीजें गाई जाएंगी तो वो सामवेदा में होती हैं. इट इज कॉल्ड द बुक ऑफ चैंट्स. आप याद रखेंगे विच वेदा इज कॉल्ड द बुक ऑफ चैंट्स, इट इज द सामवेदा. एंड द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन म्यूजिक आर ट्रेस्ड इन इट, इट्स टाइम फॉर रिसाइडेड बाय उद्गत्री, ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे. अथर्वेदा जो है उसमें रिचुअलिस्टिक डिटेल्स है, थोड़ी सी कह सकते हैं कि थोड़ा सा हीलिंग मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज भी अथर्वेदा में है. उसके अलावा अलग सेक्रेट वर्क्स भी हैं जैसे ब्राह्मणास, अरण्यकास यानी कि फॉरेस्ट स्टोरीज, उपनिषद, थोड़ा सा कमेंट्रीज ऑन द फोर वेदास, एपिक्स हैं लाइक रामायण महाभारत, तो ये भी एक तरीके से वैदिक पीरियड के कुछ सोर्सेज हैं. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देखिए थोड़ा सा है कि इस पीरियड में जो किंगडम है वो ट्राइबल होता था, हर ट्राइब अपना सेपरेट किंगडम बनाती थी, ठीक है. बेसिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कुला कहते थे, दैट इज फैमिली, है ना. बेसिक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मतलब ये है फैमिली के अराउंड घूमता था जो था. हाईएस्ट पॉलिटिकल यूनिट वॉज कॉल्ड जना और ट्राइब, है ना. तो बेसिक यूनिट सबसे बेसिक फैमिली हो गई, सबसे ऊपर ट्राइब जना, ठीक है, और सबसे लोएस्ट फैमिली. देयर वर सेवरल ट्राइबल किंगडम्स वेदिक पीरियड मेंशन्ड एज वरतास, वत्स्या, जदूज, फुरूज, ठीक है. द हेड ऑफ द किंगडम वॉज कॉल्ड राजन और किंग, आप याद रखेंगे, जो भी हेड ऑफ द किंगडम होता था उसको राजन या किंग कहते थे. देर वर टू पॉपुलर बॉडीज कॉल्ड सभा एंड समिति. देखिए ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी कुछ ना कुछ होता होगा, तो सभा एंड समिति एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थी. सभा जो है वो काउंसिल ऑफ एल्डर्स होती थी, और जो समिति होती थी दैट वॉज अ जनरल असेंबली ऑफ एंटायर पीपल. फैमिली बेसिस था सोसाइटी का, ठीक है. हेड ऑफ द फैमिली को गृहपति कहते थे, तो उसके अराउंड पूरा घूमता था फैमिली लाइफ तो, ठीक है, जो गृहपति होता था. इकोनॉमिक कंडीशन ये थी कि द ऋग्वेदिक आर्यंस और पेस्टोरल पीपल, ठीक है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैटल रियरिंग भी करते थे, लेकिन कुछ वो एनिमल भी डोमेस्टिकेट करते थे. कारपेंटरी बहुत अच्छा प्रोफेशन था, बाकी कैटल वॉज कंसिडर वेरी सीक्रेट. दिस इज नॉट गिवन इन हियर, आई एम जस्ट टेलिंग यू एज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. सो कैटल रियरिंग होती थी, कैटल को काफी बट यू नो कैटल सेक्रीफाइसेस वर आल्सो देयर, कैटल को सेक्रीफाइस भी किया जाता था. तो ये सब चीजें होती थी वैदिक पीरियड में, है ना. रिलीजन, वैदिक गॉड्स आप सबको पता है, अग्नि, इंद्र, सोम, अर्ली वैदिक गॉड्स मेन तो वही थे, अग्नि, इंद्र, सोम, वरुण, है ना. अग्नि एसोसिएटेड विद फायर, वायु एसोसिएटेड विद विंड, वरुणा विद रेन, इंद्रा विद थंडर, पृथ्वी विद अर्थ, ठीक है. तो ये ऋग्वेदिक गॉड्स हैं. इंद्रा सबसे पॉपुलर थे, अपने रेथ के लिए और एंगर के लिए माने जाते थे. फीमेल गॉड्स भी थी जैसे गॉडेसेस, आई मीन अदिति एंड उषा. सो देवर नो टेम्पल्स एंड नो आइडल वर्शिप ड्यूरिंग, तो आइडल वर्शिप नहीं थी और कोई टेम्पल्स भी नहीं थे. ऋग्वेदा में रिवर्स का नाम जो है थोड़ा चेंज है, तो ये आप प्लीज याद करेंगे, सारी रिवर्स का नाम याद करेंगे कि इंद्रस को सिंधु कहते थे, झेलुम को वितस्ता कहते थे, चेनब को अस्किनी कहते थे, रवि को परुष्णी कहते थे, भी इसको विपासा कहते थे, सतलज को सुद्री कहते थे, गोमती को गोमल कहते थे, सरस्वती को सरस्वती कहते थे, घग्गर को कृषादवती कहते थे, है ना. तो ये थोड़ा सा टिपिकल होता है. तो ये सब जो अभी हम पढ़ रहे थे ये ऋग्वेदा के बारे में है, मतलब अर्ली वैदिक टाइम क्या जो कि था 1500 से लेके 1000 तक. अब यही सिमिलर चीज है कि भाई जब लेटर वैदिक पीरियड शुरू हुआ यानी कि 1000 से लेके 600 BCE तक, तो तब क्या सोशल लाइफ रही, तब क्या किस तरीके से चीजें होती थी, है ना. व्हाट वाज देयर एट दैट टाइम, व्हाट वाज द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देन, हाउ वाज द इकोनॉमिक कंडीशन देन. सो ऑफ कोर्स उसके बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. पहले देख लीजिए इसकी टाइमलाइन है 1000 टू 600 BCE, है ना. दिस एज इसको एपिक एज भी कहते हैं, क्योंकि दो एपिक्स यानी कि रामायण महाभारत लेटर वैदिक पीरियड में लिखी गई थी. सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो है, ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद सब इसी टाइम में प्रोड्यूस हुए थे. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, किंगडम जो है लेटर वैदिक पीरियड में लार्ज हो गए थोड़े से. किंग्स जो है वो रिचुअल परफॉर्म करने लगे, सेक्रीफाइस परफॉर्म करने लगे अपने पोजिशन को स्ट्रेंथन करने के लिए, है ना. यज्ञ होने लगे जैसे राजसूय यज्ञ, कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी, अश्वमेधा यज्ञ, है ना. अश्वमेधा जो हॉर्स सेक्रीफाइस होता है कि भाई एक हॉर्स को भेजा जाता है और वो हॉर्स जो है जिस एम्पायर से बिना रुके निकल के आ जाता है, तो वो एम्पायर मतलब उस किंग का हो गया. और जिन लोगों ने, जिस एम्पायर ने या किस किंगडम में वो घोड़ा पकड़ लिया, मतलब उसके साथ एक वॉर डिक्लेयर हो गया और अब वो लोग लड़ेंगे और अगर जो भी जीतेगा उसका वो एम्पायर हो जाएगा. सो दैट वॉज कॉल्ड अश्वमेधा सेक्रीफाइस.
और वाज पे यानी कि चैरिट रेस, इसके भी बड़े शौकीन हुआ करते थे किंग। तो इन तीनों सेक्रीफाइसेस के नाम आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। किंगशिप हेरिडिटरी हो गई भाई, कि हेरिडिटरी होने का मतलब है कि भाई अब राजा जो है उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, है ना, उस तरीके से चलेगा। किंग्स यानी यहाँ तक कि टाइटल्स भी लेने लगे, जैसे एक राज सम्राट एंड सर्व भाउमा। तो क्या है, थोड़ा मोर सेटल्ड थिंग्स, थोड़ा मोर लेजिटिमाइज करने के लिए अपने रूल को, थोड़ा और ज्यादा आइडियाज देने लगे, थोड़ा सा डेवलप हो गया पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, कि आयरन बहुत एक्सटेंसिवली यूज होने लगा, ठीक है, एंड दिस इनेबल पीपल टू क्लियर फॉरेस्ट एंड टू ब्रिंग मोर लैंड अंडर कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर चीफ ऑक्यूपेशन बन गया, उससे पहले पीपल वर पेस्टोरलिस्ट। एज आई वाज टेलिंग यू, कैटल रियरिंग वाज डन, एनिमल्स वर समहाउ डोमेस्टिकेटेड, बट इन द लेटर वेदिक पीरियड, ठीक है। टैक्सेस भी इम्पोज किए गए, लाइक बाली शुल्क एंड भागा, ठीक है, वो कलेक्ट किए जाते थे लोगों से, बाली शुल्क एंड भागा। वेल्थ वॉज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ काउ, मतलब जिस बंदे के पास ज्यादा काउ है वो ज्यादा वेल्थी माना जाता था। कैटल को मतलब एक वेल्थ का सिंबल माना जाता था, तो कैटल वॉज सिंबल ऑफ वेल्थ। सोशल लाइफ, फोर डिविजन होते थे वही, ब्राह्मण, ब्राह्मणा, क्षत्रियाज, वैश्यास, शूद्रास। ब्राह्मण्स का क्या एक्टिविटी होती थी आपको भी पता है, सबको पढ़ाना, रिलीजियस कामों में इन्वॉल्व रहना, यज्ञ करवाना। क्षत्रियाज अपनी प्रजा को प्रोटेक्ट करना, अपनी सारी ड्यूटीज एज अ किंग परफॉर्म करना। वैश्यास ट्रेडिंग एक्टिविटीज में थे, और शूद्रास का एक ही काम होता था, इन तीनों को सर्व करना, है ना। आश्रमा सिस्टम वॉज फॉर्म टू अटेन फोर पुरुषार्थस, ठीक है। आश्रमा सिस्टम है ना, कि मोक्ष पाने के लिए, तो चार पुरुषार्थस को अटेन करने के लिए, दैट इज धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ठीक है, इसको आश्रमा सिस्टम कहते थे। रिलीजन, गॉड्स ऑफ द अर्ली वैदिक पीरियड लाइक इंद्र एंड अग्नि लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में अग्नि, इंद्र, सोम, वरुणा वर द मेन गॉड, है ना। तो अब क्या है, सोम के बारे में नहीं है इस पीडीएफ में, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, वो अर्ली वैदिक गॉड थे, और ही वॉज द गॉड ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, ठीक है। सोमा वॉज कंसिडर्ड एज द ड्रिंक ऑफ द गॉड्स। अब इस रिलीजन की बात करते हैं, तो अर्ली वैदिक गॉड जो है, दे लॉस्ट देयर इंपॉर्टेंस। रुद्र नाम के गॉड जो शिवा से एसोसिएट किया जाता था, ही गेन्ड अ कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस, ठीक है। एंड प्रजापति द क्रिएटर, दैट मींस द विष्णु द प्रोटेक्टर, प्रजापति क्रिएटर, प्रजापति नो, जैसे अभी है ना द ट्रायो, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा को इसमें प्रजापति की तरह डिनोट किया गया, द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर प्रोटेक्टर, एंड रुद्र डिस्ट्रॉयर, है ना, जो शिवा से एसोसिएटेड है। तो दैट बिकम इम्पोर्टेंट इन द लेटर वैदिक पीरियड। तो दिस वाज अबाउट द वैदिक पीरियड, वेरी ब्रीफ एंड वेरी रिच इंफॉर्मेशन इज गिवन, प्लीज स्टडी इट वेरी नाइसली। नाउ लेट्स कम टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, ठीक है। तो ये दोनों रिलीजन कैसे फ्लरिश हुए, हमको इनकी मेजर मेजर कहानी तो पता है कि कैसे शुरू हुए थे, पर हम पहले जैनिज्म के बारे में देखेंगे। देखिए, हर इन दोनों ही रिलीजन में एक थे कोई कोई राजा रहे हैं, या कोई कुछ भी रहे हैं, उसके बाद उन्होंने एस्टैब्लिश करा, मतलब ही सर्च फॉर ट्रूथ, और मे बी ही वॉज द वन हु वॉन्टेड टू सर्च फॉर द मिसरी, सर्च रिगार्डिंग लाइक व्हाट द रीजन बिहाइंड द मिसरीज ऑफ पीपल, की भाई क्या कारण है दुख का, या इस जीवन का क्या एम है, हम क्यों आते हैं। तो कोई एक था, इन केस ऑफ बुद्धिज्म गौतम बुद्धा, एंड इन केस ऑफ जैनिज्म वर्धमान महावीरा। इतना तो आप याद रख रख लीजिए। अब ये इनकी बर्थ से लेके डेथ तक की लाइफ साइकिल, 540 से 468 BCE वर्धमान महावीरा, और गौतम बुद्ध 563 से लेके 483 BCE तक, ठीक है। जैनिज्म ओरिजिनेटेड एज अ 6th century BCE, ठीक है। जैनिज्म कब ओरिजिनेट हुआ, बहुत से याद रखने की जरूरत है, 6th century BCE में, ठीक है। वैदिक रिलीजन को पूरी तरीके से इन्होंने जो है रिजेक्ट करा, रिचुअल्स अवॉइड करा। देखिए, ये दोनों जो रिलीजन्स आए थे, है ना, वेदास में एक डिस्क्रिप्शन है कि जो भी लोअर कास्ट के लोग हैं वो नहीं कर सकते कुछ भी ऐसा, है ना, कुछ भी ऑस्पिशियस, कुछ भी डिवाइन काम नहीं कर सकते जो भगवान से रिलेटेड है। उनके अपोजिशन में ये रिलीजन आए, लाइक जैनिज्म एंड बुद्धिज्म का मेन कंट्रास्ट था कि उन रिलीजन्स में कोई बार नहीं था, कोई बाउंड्री नहीं थी कि इस रिलीजन से अगर आप हैं तो आप बुद्धिज्म या जैनिज्म के फोल्ड के अंदर नहीं आ सकते, ठीक है। सो समवेयर बुद्धिज्म एंड जैनिज्म वर द चैलेंज टू द अथॉरिटी ऑफ द वैदिक पीरियड, ओके। तो अब जैनिज्म वॉज फाउंडेड बाय, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋषभ देवा, ठीक है।
उनके उसके बाद 23 लोग और आए, और उनको जैनिज्म में तीर्थंकर्स कहते हैं, प्रॉफिट्स, ठीक है। महावीरा 24th थे, ऋषभ देवा ने फाउंड किया। फिर 23 और आए, और सबसे लास्ट जो थे वो महावीरा थे, है ना, 24th तीर्थंकर। वर्धमान महावीरा का टाइम दिया हुआ है ये। वर्धमान एक विलेज में बॉर्न हुए थे, कुंदग्रामा नाम के, वैशाली में, इन बिहार। उनके पापा का यानी कि उनके फादर का नाम था सिद्धार्थ। ही वॉज द हेड ऑफ अ फेमस क्षत्रिय क्लैन, ठीक है, वो क्षत्रिय क्लैन से थे। उनकी मॉम का नाम था त्रिशला, हिज मदर वॉज त्रिशला। एंड ये सब आपको याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। तो वो प्रिंसेस थी लिच्छवी क्लैन की, ठीक है। शी वॉज द सिस्टर ऑफ अ रूलर ऑफ वैशाली। आपको ये ना ये सारी महाजनपदाज हैं, ठीक है। ये वैशाली हो गई, है ना। कुंदलग्रामा वॉज ऑल्सो अ प्रिंसिपैलिटी, स्मॉल प्रिंसिपैलिटी। लिच्छवीज वर रूलिंग ऑल्सो रूलिंग एट अ स्मॉल प्रिंसिपैलिटी। सो ये जो है ये आप लगा लीजिए जो मौर्य से थोड़ा सा पहले जो इस्टेब्लिश हो रही थी टाइम में, तभी से इनका इन्फ्लुएंस शुरू हो गया था, है ना। वर्धमान की जिनसे शादी हुई, जिनसे उनकी मैरिज हुई, उनका नाम था यशोदा। शी वॉज ऑल्सो अ प्रिंसेस एंड दे हैड अ डॉटर। 30 की उम्र में उन्हें लगा कि उन्हें अपने घर और घरवार सब, घर परिवार, राजपाट सब छोड़ देना चाहिए, और उन्हें एक मॉन्क यानी कि एक साधु संत बन जाना चाहिए, ठीक है। वो जगह जगह घूमे इन सर्च फॉर ट्रूथ 12 साल तक, ठीक है। 13th ईयर ऑफ हिज पेनेंस, मतलब जो 13 साल हो गए, 13वें साल में उन्हें हाईएस्ट स्पिरिचुअल नॉलेज मिल गया, जिसको क्या कहते हैं जैनिज्म में कैवल्य और जनाना। जैसे महापरिनिर्वाण बुद्धिज्म में कहते हैं, ऐसे ही जैनिज्म में स्पिरिचुअल नॉलेज अटेन कर ली, मतलब हाईएस्ट पोजिशन अटेन कर ली भाई, अब इससे आगे कुछ नहीं है। जिसके लिए आप इतने टाइम से दुख सह रहे थे, इधर उधर घूम रहे थे, वो आपने स्टेट अटेन कर ली है ना। और उसको कहते हैं कैवल्य और जनाना, ठीक है। देयर आफ्टर ही वॉज कॉल्ड महावीरा एंड जिना, इसीलिए उन्हें जिना कहा जाता है, ठीक है। तो महावीरा और जिना कहा गया उन्हें, उनके फॉलोअर्स को जैन्स एंड हिज रिलीजन जैनिज्म। तो उसी तरीके से उनका नाम रखा गया जिना, और क्योंकि उन्होंने जिनाना अटेन कर लिया, दैट इज स्पिरिचुअल नॉलेज, उनके फॉलोअर्स को जैन्स कहा गया, और उनके रिलीजन को जैनिज्म नाम दिया गया। वो 72 की एज पे उनकी डेथ हुई, 468 BC में, कहाँ पे, पावापुरी में, नियर राजगीर इन बिहार, ठीक है, पावापुरी में। ठीक है, अब ये मेजर टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म है। 3 प्रिंसिपल्स जो जैनिज्म के होते हैं, एज यू नो, त्रिरत्नास कहते हैं उसे, बहुत से याद रखिएगा, त्रिरत्नास, द 3 जेम्स। राइट फेथ, ठीक है, आप सही चीज में विश्वास रखेंगे, सही जानकारी गेन करेंगे, और आपका जो कंडक्ट है, मतलब आप जो कैसे बिहेव करते हैं लोगों के साथ, आप इंसानियत रखते हैं, नहीं तो वो कंडक्ट भी एकदम सही होना चाहिए। तो राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट, ठीक है। इसे अगर आपको नहीं याद रहता है तो मैं बताती हूँ एक बहुत इंटरेस्टिंग तरीका, KFC, है ना। मेनी पीपल माइट बी गोइंग टू KFC, द इटरी, ऑल राइट। सो KFC, ठीक है, नॉलेज, फेथ, कंडक्ट, KFC, दिस इज हाउ आई ऑलवेज रिमेम्बर इट, कि जैनिज्म की बेसिक टीचिंग्स जो है, दैट इज लाइक राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। तो इन 3 टर्म्स को याद करने के लिए आई ऑलवेज रिमेम्बर इट एज KFC। ओके, सो महावीरा प्रीच हिज डिसाइपल्स टू फॉलो द 5 प्रिंसिपल्स, ठीक है। 5 प्रिंसिपल्स जैसे बुद्धा के भी है, नॉन वायलेंस, एट फोल्ड पाथ है उनका, है ना, ऐसे इनका भी है। इनके 5 प्रिंसिपल्स है, एक अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस, किसी पे भी वायलेंस इन्फ्लिक्ट नहीं करेंगे। दूसरा सत्या यानी कि आप सिर्फ सच बोलेंगे, टू स्पीक द ट्रूथ। अस्तया चोरी नहीं करेंगे, नॉट टू स्टील। त्याग कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करेंगे, यू शुड ऑलवेज यू नो सेक्रीफाइस एवरीथिंग, त्याग कर देना। ब्रह्मचार्य दैट मीन्स टू लिव अ लाइफ ऑफ अ सेलिबेट, ओके, मतलब आप कभी भी किसी से भी शादी नहीं करेंगे, एक मॉन्क बन के, एक साधु संत बन के रहेंगे, ब्रह्मचार्य। तो ये 5 हैं, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अहिंसा सत्या तो आपको बताइए, अहिंसा मतलब नॉन वायलेंस, सत्या मतलब सच, सच्चाई, ट्रूथ, त्याग मतलब नॉट टू ओन प्रॉपर्टी, ब्रह्मचार्य आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो दैट इज कॉल्ड सेलिबेसी, अस्तया है थोड़ा सा, दैट मीन्स नॉट टू स्टील। अब जैनिज्म का स्प्रेड देख लेते हैं थोड़ा सा, है ना। महावीरा प्रीच्ड हिज रिलीजन इन प्राकृत लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में, प्राकृत में, ठीक है, विच वॉज द लैंग्वेज ऑफ द मासेस। जैसे कि वैदिक रिलीजन जो है प्योर संस्कृत, हाई क्लास, हाई कास्ट संस्कृत में प्रीच किया जाता है, ये नॉर्मल लोकल लैंग्वेज प्राकृत में किया गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेला ऑफ कलिंगा एंड द रॉयल डायनेस्टी ऑफ साउथ इंडिया, गंगाज, तखतअंबाज, चालुक्य, अजन राष्ट्रकूटा, इन सब ने पेट्रनाइज किया है। तो ये आप बहुत से याद रखेंगे कि किस किस ने,
जैनिज्म को पेट्रनाइज किया। जैनिज्म बाद में दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, है ना, वल्लभी काउंसिल के बाद। कौन सी काउंसिल? वल्लभी। एक श्वेतांबर वियरिंग वाइट ड्रेस अंडर, ठीक है, ये इन किसके अंदर? स्थूल वद्रा के अंदर, और दिगंबर दैट इज नेकेड, ठीक है, स्काई क्लैड बोलते हैं इन्हें, ठीक है, स्काई क्लैड अंडर भद्रबाहु, ठीक है, स्थूल बाहु श्वेतांबर, ठीक है, एस एन एस, ठीक है, एंड भद्रबाहु के अंदर दिगंबरा दैट इज स्काई क्लैड नेकेड वियरिंग ड्रेस। तो ये श्वेतांबरस होते हैं, श्वेतांबरस वो क्या करते हैं, वो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, श्वेत मतलब व्हाइट, है ना, और यू नो व्हाइट ड्रेसेस, और अंदर स्थूल वद्रा और दिगंबरा जो है वो नेकेड रहते हैं, दे डू नॉट वियर एनी क्लोथ्स, एंड दे आर देवर द पीपल हु आर यूनिफाइड अंडर भद्रबाहु अनदर जैना फॉलोअर, ठीक है। द फर्स्ट जैन काउंसिल वॉज कन्वीन एट पाटलिपुत्र, पहली जैन काउंसिल पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूल बाहु के द्वारा की गई थी, ये याद रखेंगे, द लीडर ऑफ दिगंबरास, ठीक है, 3rd century BCE में की थी। तो प्लीज रिमेम्बर दिस कि पहली काउंसिल कहाँ हुई थी, किसने करी थी और कब करी थी। सेकेंड काउंसिल वल्लभी में हुई थी 5th century, इसमें सीई में कॉमन एरा, यहाँ पे जैन लिटरेचर कंपाइल हुई थी, द 12 अंगास, है ना, जैन लिटरेचर्स को 12 अंगास कहा जाता है, अंगास, ओके, जैसे बुद्धिज्म में 3 पिटाकास हैं, है ना, विनय पिटाका, सूत्र पिटाका, अभिधम पिटाका, उसी तरीके से 12 अंगास हैं जैन्स के, ठीक है। अब बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे, है ना, जस्ट अ सेकेंड, ओके, बुद्धिज्म के बारे में बात करेंगे। गौतम बुद्ध का सबको पता है कि उनका ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ है, वो लुम्बिनी में ही वॉज बॉर्न, ठीक है, कपिल वस्तु नियर नेपाल, ठीक है, उनके फादर का नाम शुद्धोधन है, ही वॉज अ चीफ ऑफ अ शाक्या क्लैन, ठीक है, और उनकी मदर का नाम महादेवी या महामाया भी कहा गया है कई जगह, ठीक है, जो कि वो डाइड व्हेन सिद्धार्थ वॉज 7 days old, ठीक है, वो अपनी स्टेप मदर के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया, महाप्रजापति नहीं गौतमी, ठीक है, 16 की एज में सिद्धार्थ की यशोधरा से मैरिज की गई, एंड ही हैड अ सन कॉल्ड राहुल, ठीक है, एक ओल्ड मैन, एक कॉर्प्स यानी कि मरा हुए व्यक्ति की एक जो वो जाती है, डेड कॉर्प्स की जो वो जाती है ना, अर्थी पे लेके जाते हैं, तो वो देखा, ठीक है, तो एक गरीब आदमी को देखा, एक बेगर को देखा, एक ओल्ड मैन को देखा, है ना, तो उसको देख के वो एकदम से ऐसे हो गए कि इन दुखों का कारण क्या है, हम धरती पे क्यों आते हैं, तो ही वॉन्टेड टू गो टू सर्च फॉर ट्रूथ, ओके, तो 7 साल तक घूमने के बाद एक दिन उन्होंने बोधि ट्री के अंदर बोधगया में बैठकर बहुत पेनेंस किया, बहुत मेडिटेशन किया, और अल्टीमेटली ही गॉट एनलाइटनमेंट, दैट इज कॉल्ड निर्वाणा, ठीक है, एनलाइटनमेंट निर्वाणा कहते हैं, जैसे उसमें केवल्य का स्पिरिचुअल नॉलेज, यहाँ निर्वाणा होता है एनलाइटनमेंट एट द एज ऑफ 35, ठीक है, तब से उन्हें बुद्धा के नाम से जाना गया, दैट मीन्स द एनलाइटन वन, ठीक है, उनका फर्स्ट सर्वन सारनाथ है। तो ये 4 इन्फॉर्मेशन के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धा वॉज बॉर्न एट लुम्बिनी, बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ, बुद्धा अटेन्ड सेल्वेशन एंड एनलाइटमेंट अंडर द बोधि ट्री एट बोधगया, और बुद्धा, है ना, सो ही डाइड एट द एज, ही डाइड एट कुशीनगर, ठीक है, एट द एज ऑफ 483 BCE में कुशीनगर में ही डाइड, उत्तर प्रदेश। अब इनकी टीचिंग्स देखते हैं, द 4 noble truths ये हैं कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग, है ना, कॉज ऑफ सफरिंग डिजायर है, देखिए पूरा जो संसार है वो सफरिंग से भरा हुआ है, दुखों से, दुख का रीजन क्या है, आपकी जो इच्छाएं हैं जो उमड़ती रहती है ना, कि मतलब भाई अब ये चाहिए, तो वही दुखों का कारण है। अगर इन इच्छाओं से हमें मुक्ति पानी है तो ही मुक्ति पा लेते हैं, इनको हटा देते हैं तो ही ये जो हमारा कष्ट है ये खत्म हो पाएगा। ऐसा करने के लिए बुद्धा के द्वारा बताया गया 8-fold path जिसकी मैं बात कर रही थी अपनाना जरूरी है, ठीक है, अब ये 8 चीज दी हुई है 8-fold path, इसको तो आपको लर्न करना ही करना पड़ेगा, राइट थॉट, अच्छा सोचना, अच्छा चीज में विश्वास रखना, अच्छा बोलना, ठीक है, राइट एक्शन, सही काम करना, सही तरीके से लिविंग करना अपनी, सही जगह एफर्ट लगाना, सही ज्ञान लेना और मेडिटेशन करना, तो ये 8-fold path बुद्धा ने प्रिस्क्राइब किया है।
बुद्धिस्ट लिटरेचर पाली लैंग्वेज में है, जैसे कि जैनिज्म प्राकृत लैंग्वेज में है, ठीक है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर पाली, इन पाली आर कॉमनली रेफर टू एज त्रिपिटक्स, थ्री बास्केट्स, ठीक है। त्रिपिटक्स का थ्री बास्केट है, सुत्त पिटक, विनय पिटक एंड अभिदम पिटक। विनय पिटक इट्स इट कंसिस्ट ऑफ रूल्स ऑफ डिसाइपल्स, जो मॉन्क्स एंड नंस जो हैं बुद्धिज्म के, ठीक है, जो वहां रहते हैं मोनेस्ट्रीज में और प्रीच करते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन। तो बुद्धिस्ट संघा का जो पार्ट है, तो बुद्धिस्ट के जो फॉलोअर्स है देवर ऑर्गेनाइज इन टू संघास, तो वो उनके उनके जो रूल्स हैं कि भाई आपको कैसे रहना है, व्हाट यू नीड टू फॉलो इन ऑर्डर टू बी एन मॉन्क एंड अ नन, वो विनय पिटक में है। सुत्त पिटाका में लार्जेस्ट, वो लार्जेस्ट है, इट कंटेन्स बुद्धा के जो सर्मन्स है वो सब सुत्त पिटाका में है, उनकी टीचिंग्स हैं। अभिदम पिटाका में फिलोसफिकल प्रिंसिपल्स हैं बुद्धिस्ट रिलीजन के, ठीक है। अब ये देखिए, ये टेबल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है ना। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई? राजगृहा में हुई। कब हुई? 483 में। इसका चेयरमैन कौन था? महाकश्यप। पैटर्न मतलब कौन से राजा ने करवाई? अजातशत्रु। सेकेंड, 383 BCE में हुई, वैशाली में हुई। किस कौन था चेयरमैन? सबक मुनि। ही वाज आल्सो सम, दीज ऑल वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म, फॉलोअर्स ऑफ बुद्ध। काल अशोका ने उसके पैटर्न थे। थर्ड, 250 में हुई, पाटलिपुत्र में हुई, मोगलिपुत्र तिसा, ठीक है। एंड ही वाज, ही आल्सो कंपाइल्ड द थर्ड पिटक, तो अशोका ने करी है ना। फोर्थ, 72 CE में हुई, कुंदलवना में हुई, वसुमित्र अश्वघोषा चेयरमैन थे, और कुशाना रूलर कनिष्क पेटरेंड पेटरेंड। ओके, अब हम महाजनपदास के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये जो 16 महाजनपदास की जो लिस्ट है, इनकी कैपिटल के साथ, ये यू शुड रिमेम्बर इट बाय हार्ट, ठीक है। काशी, कोसाला, अंगा, मगध, वेरी इंपॉर्टेंट, वाजी, माला, चेदी, वत्सा, कुरु, पांचाल, मत्स्या, सुरसेन, अस्मका, अवंती, गांधार, काम्बोज, इनके नाम और इनकी कैपिटल तो बिल्कुल आपके ट्रिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है। तो इनको आप लर्न करेंगे, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं। अब हरियाणा डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना। वेट, सॉरी, या हरिनकर डायनेस्टी देखिए, जो भी जब इंदस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ, है ना, इंदस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ, फिर धीरे धीरे ना स्मॉल टाउन्स, प्रिंसिपैलिटीज इमर्ज होने शुरू हुए, फिर वो बढ़ते बढ़ते, क्योंकि मगध जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों इंपॉर्टेंट था? वहाँ नेचुरल बैरियर्स थे, माउंटेन्स के थ्रू, पांच रिवर्स के थ्रू, और वहाँ एलिफेंट्स की अवेलेबिलिटी, है ना, आयरन की अवेलेबिलिटी, जिससे वो लोग जो है हथियार बना सकते थे, तो काफी इंपॉर्टेंट रहा। तो मगध को ही चूज किया जो पहले रूलर आए, हरिनका डायनेस्टी आई सबसे पहले, हरिनका आई थी मौर्य से भी पहले, तो उन्होंने मगध को यूज करा एज देयर यू नो कैपिटल काइंड ऑफ। तो सबसे पहले हरिनका आए, उसके बाद जब ये छोटी 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 जो महाजनपदास बन गई, और कुछ कुछ स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज भी थी, देवर फॉर्म। सो हरिनका डायनेस्टी आई सबसे पहले, बिंबिसारा हु वाज द फाउंडर ऑफ हरिनका डायनेस्टी, यू शुड रिमेम्बर हु वाज द फाउंडर ऑफ हरिनका डायनेस्टी, इट वाज बिंबिसारा, ठीक है। कंटेम्प्ररी था वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध के साथ साथ ही थे, मतलब ये उनके रूल के टाइम में डेरियस वन एकेमेनिड एम्पायर एम्परर जो थे वो उन्होंने कॉन्क्वेयर करने का ट्राई करा, ठीक है। ही वाज फ्रॉम ईरान। अजातशत्रु इम्प्रेजेंट हिज फादर, अजातशत्रु इनके बाद आए, बिंबिसारा के बेटे अजातशत्रु, फिर वो आए, उन्होंने अपने फादर को इम्प्रिजन कर दिया और उन्होंने खुद रूल ले लिया। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल उनके अंदर ही हुई थी, ठीक है। उनके इमीडिएट सक्सेसर थे उदयन, ठीक है। उदयन लेड द फाउंडेशन ऑफ द न्यू कैपिटल, उन्होंने नई कैपिटल बनाई, पाटलिपुत्र कैपिटल, शिफ्ट कर दी मगध कैपिटल पाटलिपुत्रा, ठीक है। सिचुएटेड एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ टू रिवर जेंजेस एंड द सोन, ठीक है। उसके बाद शिशुनागा वॉज द फाउंडर ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी। शिशुनागा के बाद द माइटी एम्पायर बिगेन टू कोलैप्स, ठीक है। उनके सक्सेसर वॉज काकावर्मन और कालसोका, ठीक है। उनके रेन में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। तो हरेनका के बाद शिशुनागा डायनेस्टी आई, लेकिन वो ज्यादा सर्वाइव नहीं करी। शिशुनागा के बाद बस काकावर्मन और कालसोका, कुछ भी कह सकते हैं, वो आए, ठीक है। लेकिन सून देवर किल्ड, है ना, दे कुड नॉट डू मेक मच एडवांसेस, ज्यादा कुछ नहीं कर पाए वो, है ना। तो कालासोका को भी किल कर दिया था नंदा डायनेस्टी के फाउंडर ने, है ना। जो मगध की जो फेम थी, मगध इतना फर्टाइल सॉइल, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, वॉर के लिए इंपॉर्टेंट, फॉरेस्ट इतने रिच,
तो सबकी जो है नंदा डायनेस्टी पहुंची, तो महापद्म नंदा वॉज द फाउंडर ऑफ द नंदा रूल इन मगध, ठीक है, ही वॉज द फाउंडर ऑफ द नंदा रूल इन मगध। जो लास्ट नंदा रूलर है वो धानानंद है, एलेक्सेंडर इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग हिज रूल, ठीक है। धानानंद के टाइम पे एलेक्सेंडर, एलेक्सेंडर द ग्रेट, आपको आपको पता होगा, वो आए थे इनके टाइम में, लास्ट नंदा रूलर के टाइम में, है ना। उनकी पहली लड़ाई भी हुई थी एलेक्सेंडर की पोरस से, इन विच पोरस लॉस्ट, बट एलेक्सेंडर को उनकी जो बहादुरी है उसको देखते हुए उन्होंने उसको दे दिया था कि भाई तुम अपना रखो, है ना। ये है। अब थोड़ा सा मौर्य एम्पायर के बारे में देख लेते हैं। मौर्य एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य। देखिए दो रूलर हैं, मुझे नहीं पता हाउ मेनी ऑफ यू मस्ट बी नोइंग, मौर्य एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य एंड चंद्रगुप्ता, जस्ट चंद्रगुप्ता इज अ रूलर ऑफ अ गुप्ता डायनेस्टी। ये दो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग टाइम पीरियड के। मौर्य डायनेस्टी का पहला रूलर चंद्रगुप्त मौर्य है, उसका पूरा नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, और चंद्रगुप्त सिर्फ चंद्रगुप्त है, वो गुप्ता डायनेस्टी का रूलर है। ओके, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है 322 नहीं, एक्चुअली 321 BC से लेके 298 BC तक उनका रूल था। चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडर थे मौर्य एम्पायर के, उन्होंने नंदा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करा चाणक्य के हेल्प के थ्रू, ठीक है। धनानंद को उन्होंने हरा दिया। इवन सेलिकस निकेटर, ग्रीक जनरल ऑफ एलेक्सेंडर, है ना, एलेक्सेंडर के बाद उन्होंने सेलिकस निकेटर आए थे, उनको भेजा, ठीक है, उनको डिफीट कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने इन बैटल, कब, 305 BC में, ठीक है। सेल्यूकस ने एक एम्बेसडर को भेजा था उनके कोर्ट में, चंद्रगुप्त के कोर्ट में, जिसका नाम था मेगेस्थिनीज, ठीक है। और मेगेस्थिनीज ने एक बुक लिखी इंडिका, जो कि मौर्य की हिस्ट्री पढ़ने के लिए एक मेजर सोर्स है ना। चंद्रगुप्त जो है जैनिज्म के फॉलोअर थे, ठीक है, वो श्रवण बेला गोला गए थे मैसोर में, ठीक है, एक जैन मॉन्क भद्रबाहु के साथ, ठीक है, जिनके दिगंबर्स हैं, जिनके फॉलोअर्स है ना। और उन्होंने अपनी जो हिल इन विच ही लिव्ड अंटिल हिज डेथ चंद्रावली, वो वहीं पे रहे, मतलब टोटल जैना स्टाइल में उन्होंने अपनी लाइफ गिव अप करी, ठीक है। चाणक्य और कौटिल्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा है, वो उनके मेजर ऑफिसर रहे प्राइम मिनिस्टर चंद्रगुप्ता के टाइम में और बिंदुसारा के टाइम में। अब देखिए बिंदुसारा और बिंबिसारा भी अलग है। बिंबिसारा पहले मगध में शुरू शुरू में हरियाणा का डायनेस्टी का फाउंडर था, और बिंदुसारा वॉज द सेकेंड मौर्यन रूलर। तो इनके जो नाम है उन्हें कंफ्यूज मत करिए, बहुत बच्चे बहुत दिन तक कंफ्यूज रहते हैं, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य सक्सीड करा गया बिंदुसारा के द्वारा उनको। बिंदुसारा को ग्रीक अमित्रा गाथा कहते थे, इट मीन स्लेयर ऑफ एनिमीज, ठीक है। देन केम अशोका, द मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर ऑफ दिस मौर्य डायनेस्टी। ही वॉज वन ऑफ द वेरी फेमस रूलर। कलिंगा कैंपेन इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलिंगा कैंपेन जो हुई थी, है ना, वो विक्टोरियस हुई थी 261 BC में, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई भी वॉर, कोई भी वायलेंस इन्फ्लिक्ट नहीं किया जाएगा। ही वॉज एन आर्डेंट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, उन्होंने नॉन वायलेंस अपना लिया था, और उनका जो अशोका का जो धम्मा है वो पूरी तरीके से बुद्धिस्ट टीचिंग्स पे बेस्ड है, कि लाइक रेस्पेक्ट करिए एल्डर्स की, और किसी के ऊपर वायलेंस इन्फ्लिक्ट मत करिए, है ना। तो उस तरीके से है, अशोका धम्मा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अशोका ने थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी पाटलिपुत्र में अराउंड 250 BC, ठीक है। इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन द संघा, इट वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय मुगालिपुत्र तिस्सा। अशोकन इडिक्स एंड इंस्क्रिप्शन आपको बताइए, अशोक अशोका के रॉक इडिक्स एंड पिलर इडिक्स हैं। इडिक्स का मतलब हो गया कि उनके इंस्क्रिप्शन, मतलब उनके बारे में, कि भाई अशोका ने इस टाइम में ये काम किया, अशोका ने इस टाइम में ये डोनेशन दिया, ये जो पिलर है ये अशोका ने बनवाया। डिफरेंट डिफरेंट जगह पर है अशोकन पिलर, स्टेट होते हैं और उसके ऊपर कैपिटल होती है द एम्बलेम, ठीक है, द नेशनल एम्बलेम वाला जो सिंबल है वो होता है, उनके ऊपर इंस्क्रिप्शन भी लिखे होते हैं कि भाई इसको अशोका ने इस टाइम में बनवाया था या किस लिए बनवाया था। विक्टोरियस टावर, सॉरी, ये जनरली विक्ट्री भी एसोसिएट करते थे वो, तो उन्हें इडिक्स कहते हैं। तो उन्होंने वो पत्थरों पे यानी कि रॉक्स पे भी लिखवाए हैं, है ना, और उन्होंने वो पिलर्स पे भी लिखवाए हैं, पिलर इडिक्स, रॉक इडिक्स, कुछ माइनर है कुछ मेजर है। उनको सबसे पहले डेसिपर करने वाले यानी रीड करने वाला कौन था, जेम्स प्रिंसप 1837 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट मॉडर्न किंग कौन था, बृहद्रथ था, उसको किसने मारा था, पुष्यामित्र शुंगा ने, ठीक है, जो कि उनका आर्मी का कमांडर था, और इस वजह से मौर्यन एम्पायर एंड हो गया था। शुंगास यानी कि फिर उसने उनको मार के शुंगा डायनेस्टी फाउंड कर ली पुष्यामित्र शुंगा ने, ठीक है। कमांडर इन चीफ थे मौर्यास के, मगध के थ्रोन पे 185 BC में आए, ठीक है। वॉज अ फॉलोअर ऑफ ब्राह्मणिज्म, ठीक
ठीक है, अश्वमेधा सेक्रीफाइसेस भी करे। पुष्यामित्र की डेथ के बाद अग्निमित्रा उनके रूलर बने, ठीक है, वो भी एक कॉन्करर थे। ठीक है, एक प्ले लिखा गया मालविका अग्निमित्रम, जो कि कालिदास ने लिखा था, तो वो उसके हीरो थे। अग्निमित्रा यानी कि पुष्यामित्र शुंगा के बेटे के लिए एड्रेस किया गया था मालविका अग्निमित्रम, एंड इट वॉज रिटन बाय द फेमस संस्कृत पोएट एंड राइटर कालिदास। ठीक है, फिर कन्वास के बारे में तो ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता है। दीज थ्री आर दो इम्पोर्टेंट, सत्वानास, कन्वास एंड शुंगास, है ना। जो कन्वाज है, लास्ट शुंगा रूलर देवभूति थे, उनको मर्डर किया था वसुदेवा कन्वा ने, ठीक है, एंड ही फाउंडेड द कन्वा डायनेस्टी। कन्वा रूल लास्टेड फॉर 45 years, एंड कन्वाज के फॉल के बाद मगध थोड़े टाइम के लिए ब्लैंक रहा, जब तक गुप्ता डायनेस्टी नहीं आई। सत्वानास, ठीक है, सिमुका वॉज द फाउंडर ऑफ सत्वानास, उनका ग्रेटेस्ट रूलर रहे हैं गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। ग्रेटेस्ट पोर्ट सत्वानास का कल्याणी था, ट्रेड सत्वानास के टाइम पे बहुत फ्लरिश किया था, है ना। कॉइन्स जो है वो कुशानास हो चाहे सत्वानास हो, उसमें काफी सारे थे। ग्रेटेस्ट पोर्ट सत्वानास कल्याणी था डेक्कन में, ठीक है। गंधक कसेला एंड गंजम ऑन द ईस्ट कोस्ट वर द इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स। द फाइन पेंटिंग एट अमरावती एंड नागार्जुन कोंडा केव्स बिलोंग टू दिस पीरियड। अमरावती और नागार्जुन कोंडा केव्स जो है उसमें जो पेंटिंग्स है वो इस पीरियड में ही बनाई गई है। अब देखिए संगम एज के बारे में बात करते हैं, है ना। तो संगम एज जो है दैट इज फ्रॉम 300 BCE टू 300 CE, ठीक है। तो संगम एज कंस्टिट्यूट्स एन इम्पोर्टेंट चैप्टर इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया। चोला चेरा पांड्यास, ठीक है, तो ये सब जो सब इधर चल रहा है नॉर्थ में, तो साउथ में भी तो कुछ चल रहा होगा। तो वहां पे तीन डायनेस्टीज आई थी, चोला, चेरास, पांड्यास, ठीक है। तो उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा बात करेंगे अभी, ठीक है। तो तमिल लेजेंड्स के अकॉर्डिंग थ्री देयर एग्जिस्टेड थ्री संगम अकॉर्डिंग अकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स इन एंशियंट तमिलनाडु पॉपुलरली कॉल्ड, ठीक है, थ्री संगम से एसोसिएट करते हैं, थ्री संगम से अकेडमी ऑफ तमिल पोएट्स, ठीक है, कॉल्ड मुच्छंगम। दीस संगम फ्लरिश अंडर द रॉयल पैट्रनेज ऑफ द पांड्यास, ठीक है, पांड्यास के पैट्रनेज के अंडर ये फ्लरिश करे। फर्स्ट संगम वाज हेल्ड एट मदुराई चेयर्ड बाय अगस्त्य, सेकंड एट कपाड़ापुरम चेयर्ड बाय टोलकपियर, एंड थर्ड एट मदुराई फाउंड बाय मुदाथिरुमरन, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे पॉलिटिकल हिस्ट्री। तमिल कंट्री वाज रूल्ड बाय थ्री डायनेस्टीज, चोला, चेरा, पांड्यास, मैंने ऑलरेडी बताया। संगम एज की तीन ही डायनेस्टी हैं। चेरास के बारे में, चेरास ने केरला पे रूल किया है मेन मेन, उनकी कैपिटल वांजी थी, उनके इंपॉर्टेंट सी पोर्ट्स टोंडी एंड मुसीरीस थे, मुसायरिस, ठीक है। ग्रेटेस्ट चेरा किंग रहे हैं सेंगुट्टुवन, है ना। चोलास, चोलास के बारे में बात करें, ठीक है, तो चोलास का आर्किटेक्चर बहुत फेमस है, ठीक है, गंगईकोंडा चोलापुरम एंड यू नो सो मेनी थिंग्स, सो मेनी टाइटल्स दे हैव। और राज राजा चोला ने भी एक टेंपल बनवाया था, ठीक है। द चोला किंगडम ऑफ संगम एक्सटेंडेड फ्रॉम मॉडर्न तिरुचि डिस्ट्रिक्ट टू आंध्र प्रदेश। कैपिटल पहले उरैयूर थी और बाद में पुहार हो गई, ठीक है। कावेरी पट्टिनम सर्वड एज देयर पोर्ट, ठीक है। ये बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन है, बट अगर आपको थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हैं, आई गेस तमिल साउथ इंडियन बोर्ड की एक एनसीईआरटी है ना, तमिल बोर्ड की एक एनसीईआरटी होती है, तो उसमें है एक चैप्टर चोला चेरास पांड्या से। इफ यू वांट टू रीड इट देन यू नो वी हैव आर टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो मैं उसमें शेयर कर दूंगी, क्योंकि यहाँ इसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ना हो तो आप वहां से पढ़ सकते हैं, टू बी ऑन द सेफर साइड, ओके। अब हम बात करेंगे गुप्ता पीरियड, जिसके बाद मतलब ऑलमोस्ट आपकी जो ये है एंशियंट हिस्ट्री इट विल बी ओवर, है ना। पुष्याभूतिज ऑफ कोर्स आर देयर, एनीवे सो लेट्स स्टार्ट। गुप्ता पीरियड कंसिस्टेड ऑफ द गोल्डन एज, उसको गोल्डन एज माना गया है बिकॉज इट विटनेस्ड द डेवलपमेंट इन रिलीजन लिटरेचर साइंस आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। तो गुप्ता एज गोल्डन एज माना जाता है, क्योंकि बहुत कहते हैं कि हर चीज में आर्किटेक्चर और रिलीजन हो या लिटरेचर हो, उसमें बहुत डेवलपमेंट हुआ है। चंद्रगुप्त वन की बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फाउंडर थे वो श्रीगुप्त थे, ठीक है। पाटलिपुत्र में उन्होंने 4th century CE में एक छोटा सा किंगडम स्टैब्लिश करा था। ही इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। इसके बाद आते हैं फर्स्ट नोटेबल रूलर जो थे डायनेस्टी के, वो चंद्रगुप्त वन थे। उन्होंने टाइटल लिया महाराजा धीराज का, ठीक है। मेहरौली आयरन पिलर जो है उसमें उनका उनके एक्सटेंसिव कॉन्क्वेस्ट का, मतलब उन्होंने क्या क्या कॉन्क्वेस्ट करा उसका काफी
डिस्क्रिप्शन है। चंद्रगुप्त वन इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ गुप्ता एरा विद स्टेट्स विद सक्सेशन इन एडी 320। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में बात करते हैं। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन भी कहते हैं, नेपोलियन ऑफ द ईस्ट। ठीक है, नेपोलियन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी। ठीक है, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन इनके डिटेल अकाउंट के बारे में, डिटेल रीजन के अकाउंट के बारे में बताता है। ठीक है, हरिसेन वॉज द वन हु रोट दिस इंस्क्रिप्शन। ठीक है, अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। बिकॉज ऑफ हिज मिलिट्री अचीवमेंट उनके उनको नेपोलियन ऑफ द ईस्ट भी कहा जाता है, क्योंकि वो मिलिट्रीली बहुत सक्सेसफुल थे, जितनी भी उन्होंने लड़ाइयां लड़ी ऑलमोस्ट सारी जीती थी। चंद्रगुप्त टू के बारे में अगर बात करें तो जो है समुद्रगुप्त जो है उनको सक्सीड किया था, उनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। मिलिट्री अचीवमेंट्स उनके काफी सारे हैं। ठीक है, साका सत्रप्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया के अगेंस्ट काफी वो लोग वो जीते थे। ठीक है, जो फाहिन है, ठीक है, वो उन्हीं के टाइम में आए थे, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। ये इस तरह के क्वेश्चंस काफी आ जाते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त टू के सक्सेसर्स, ठीक है, कुमारगुप्त थे। ठीक है, जनरल पीस एंड प्रोस्पैरिटी से मार्ग था कुमारगुप्त का पीरियड जनरली, यू नो, कुमारगुप्त वाज द फाउंडर। ये आप याद रख सकते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी के जो फाउंडर है वो कुमारगुप्त थे, द गुप्ता रूलर कुमारगुप्त। द नालंदा यूनिवर्सिटी विच इज स्टिल देयर इन बिहार है ना, तो कुमारगुप्त वाज द फाउंडर। So, कुमारगुप्त वॉज फॉलोड बाय स्कंदगुप्त who ruled from AD 456 to CE, मतलब CE 456 to CE 468। स्कंदगुप्त की डेथ के बाद काफी सक्सेसर आए, लाइक पुरुगुप्त, नरसिम्हा गुप्त, बुद्ध गुप्त है ना, बालादित्य, बट ज्यादा वो गुप्ता एम्पायर को बचा नहीं पाए, दे वर लिटिल वीक एंड दे आर दे डिसअपीयर ड्यू टू हुन इन्वेजन्स एंड लेटर बाय यशोधरम इन बलवा। कुशाभूति डायनेस्टी का भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना, हर्षवर्धन एंड ऑल। तो कुशाभूति डायनेस्टी 600 टू 647 सीई में है। इनका ग्रेटेस्ट किंग हर्षवर्धन थे। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के सन, थानेश्वर इनकी कैपिटल थी, थानेश्वर। ठीक है, तो हर्षवर्धन इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रभाकर वर्धन के बेटे थे, थानेश्वर इनकी कैपिटल थी, बाद में इन्होंने कैपिटल कन्नौज में शिफ्ट कर दी थी, है ना। येन सेंग इस टाइम में आए थे। देखिए, हर्षवर्धन ने भी खुद भी तीन किताबें लिखी हैं और येन सेंग ने भी कुछ बुक्स लिखी हैं। उनके नाम यू नो यू विल बी प्रोवाइडेड ऑन द चैनल, द टेलीग्राम चैनल, इफ यू ज्वाइन इट। ठीक है, सो दिस वीडियो हैज a little limited information, but we keep on helping our students on our Telegram channel. So I'm again and again saying, if you want some more detailed information and any, if you have any queries or anything to ask, you can definitely join our Telegram channel, whose link will be shared in the description. Okay, because it is really not possible here to, you know, actually put up everything, but I'm trying my level best to actually concise it and present it to you people so that you can refer to this video whenever you need it. Anyway, getting back to what I am teaching, was Harshvardhan, and उन्होंने एक मोनेस्ट्री बनवाई थी नालंदा में, बानाभट्टा adorned his court, wrote, ठीक है, बानाभट्टा उनके court थे, उन्होंने क्या लिखा था, हर्षचरिता एंड कदंबरी। ठीक है, ये दो बुक्स बानाभट्टा ने लिखी थी। ठीक है, जो कि उनके court poet थे। हर्षा ने खुद भी तीन प्रिय लिखे हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागनंदा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, प्रियदर्शिका, रत्नावली एंड नागनंदा, ये तीन प्रिय हर्षवर्धन ने लिखे हैं, और हर्षचरित और कदंबरी जो है इनकी कोर्ट पोएट भानाभट्टा ने लिखे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ लिया जाता है, इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेम्बर दिस। ठीक है, पल्लवास, इसके बाद पल्लवास आए थे। ठीक है, दे किंग एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन तोंडई मंडलम, सीमा विष्णु इसके फाउंडर थे, कांचीपुरम इनकी कैपिटल थी। ठीक है, अदर ग्रेट पल्लव रूलर्स वर महेंद्र वर्मन वन, नरसिम्हा वर्मन वन एंड नरसिम्हा वर्मन टू। ठीक है, कैलाशनाथ टेम्पल जो है कांचीपुरम में, वो सबसे मास्टरपीस है एंड इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पल्लवाज आर्ट। चालुक्यास का टाइम पीरियड दिया हुआ है 543 to 755 CE। पुलकेशन यहाँ के जो थे, पुलकेशन वन वो फाउंडर है चालुक्य डायनेस्टी के, उन्होंने एक स्मॉल किंगडम बनाया था विद वाटापी और बादामी एज इट्स कैपिटल। ठीक है, बादामी या वाटापी कुछ भी कहें, वो चालुक्यास की कैपिटल है। स्ट्रक्चर टेम्पल्स ऑफ द चालुक्यास एग्जिस्टेड आईहोल, बादामी एंड पत्तड़कल। ठीक है, आईहोल, बादामी और पत्तड़कल, पत्तड़कल में वीरूपक्षा टेम्पल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, बहुत बार आपने वीरूपक्षा टेम्पल के बारे में सुना भी होगा। ठीक है, तो आईहोल में है। केव टेम्पल आर्किटेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है इनके अंदर,
और केव्स कौन सी, अजंता एलोरा और नासिक में पाई गई हैं, वो चालुक्यास के द्वारा बनवाई गई हैं। एक इसमें आई होल इंस्क्रिप्शन के बारे में भी है थोड़ा सा, जो मैं बताना चाहूंगी या कुछ शेयर करना चाहूंगी चैनल पे, तो आप उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको दिख जाएगा, वट एवर एल्स आई विल बी शेयरिंग देयर। राष्ट्रकूटास, ठीक है, द आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ राष्ट्रकूटास वर फाउंड एट एलोरा एंड एलिफेंटा केव्स। लास्ट इज चोलास, है ना, चोलास बिकेम प्रोमिनेंट 9th सेंचुरी में, है ना, एस्टैब्लिश्ड एन एम्पायर कंप्राइजिंग द मेजर पोर्शन ऑफ साउथ इंडिया, उनकी कैपिटल तंजोर थी, ठीक है, उसके फाउंडर जो थे वो विजयालया थे, विजयालया। राजा राजा चोला बहुत इंपॉर्टेंट है, और ही एस्टैब्लिश्ड एंड ही बिल्ड द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजोर। डांसिंग फिगर ऑफ शिवा नटराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है जो चोलास के टाइम को बिलोंग करती है। ओके, सो दिस वॉज अबाउट द entire North Indian and South Indian ancient history in a very brief sense, of course. But again and again, I am saying this was of course about all the basics, but general test में तो इतना ही आएगा. But if you still need some more information or some more queries you have, or you really want to enhance your scope of actually getting into this sentence, so definitely you should join our Telegram channel, the link of which will be shared in the description. And thank you so much for watching it. I hope this video will help you all, since that was my sole motive of creating it, of not only mine, but the entire dream team, Dream University wanted that to happen. Thank you so much. Take care and all the best for your exam as well as your preparation.